गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो सभी? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, आ चुके हैं सभी। चलिए तो अपनी जो लास्ट वाली क्लास थी उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आज फिर एक धमाकेदार क्लास स्टार्ट करते हैं और मौसम मनाने की कोशिश करते हैं। बेटा आज जो हमारा कंसेप्ट है वो है चतुर्भुज। चतुर्भुज आप लोगों को पहले भी पता था कि भैया मैंने कल सीधी रेखाओं के बारे में बताया था, लेकिन एक बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, तुम लोगों को सीखना है, तो उसके लिए अपन चर्चा करेंगे। तो सभी मेरे भाइयों बहनों एक बार सभी आ जाएं, रवि, चेतना, मोनिका, मानवेंद्र, करण शर्मा, रंजीत, ओके, बीइंग ह्यूमन, दिनेश, सभी का एक बार वापस तहे दिल से स्वागत है। और अब आप तैयार हो जाएं बहुत बड़े बवंडर के साथ। तो भैया हम आज जो चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करने वाले हैं भैया किसकी? चतुर्भुज की। अच्छा, चतुर्भुज कहते किसे हैं? तो सीधी सी बात है यार, ज्यादा माथापोड़ी करने की जरूरत नहीं है कि चार भुजाओं से घिरी कोई भी आकृति हो, चार भुजाओं से घिरी किसी भी प्रकार की आकृति हो बेटा, वो चतुर्भुज कहलाती है, चाहे वर्ग हो, चाहे आयत हो, चाहे कुछ भी हो। हाँ, चतुर्भुज मैक्सिमम जो अपने रीजनिंग में पूछे जाते हैं वो कितने के पूछे जाते हैं? समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज की अगर मैं बात बताऊं तो जिनकी आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, भैया जिनकी आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं उन्हें समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। जैसे वर्ग और आयत इसी में कंसीडर किए जाते हैं। अगली बात भैया आपके सामने पैरेललोग्राम बोलते हैं इसको, रिम्बस को, यानी समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का मतलब है बेटा जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, आपको गणित का अच्छी तरीके से ध्यान होगा। तीसरी चीज है ट्रेपेजियम, जिसको हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। समलंब चतुर्भुज कुछ इस प्रकार से भी होते हैं, जवानी में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, जिसके दो लंब आपस में समान अवस्था में पाए जाते हैं, समलंब चतुर्भुज कहलाते हैं। तो कुछ इसी स्थिति को आगे बढ़ते हुए पिछले एग्जाम्स में सभी को गुड इवनिंग है, सोनिका, दिनेश, रिशु, ओके भैया सभी का स्वागत है वापस, बिल्कुल धन्यवाद। शिक्षा से बड़ा कोई वरदान नहीं का एसोसिएट मिले से मैं कोई, अब भाई वो दिख नहीं रहा, नहीं तो मैं अभी घटना घटा चुका होता। आज हम बात करने वाले हैं चतुर्भुजों की। तो भैया अपने कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। कल एक नया क्वेश्चन मेरे सामने आया व्हाट्सएप पर, एक बहन है मेरी जिन्होंने भेजा था और वो पढ़ रही थी, क्लास ले रही थी, तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर भेजा था कि सर आपने जो कल पढ़ाया वो कुछ अलग था और इसमें जो ऑप्शन है वो अलग है, बिल्कुल चार भुजाओं से बंद आकृति, गणित पढ़ने की आवश्यकता नहीं है भैया। तो भैया मैं आपको बताऊं, कल एक छोटा सा क्वेश्चन था, समझिएगा सवाल, मैंने कल आपको ये बताया था, ध्यान दीजिएगा यहां पर, और मैंने आपसे पूछा था कि भैया यहां पर आयत की संख्या क्या होगी। एक बार थोड़ा सा माइंड को क्लियर कर लीजिएगा, जब जब कोई नई चीजें आती है माइंड में तो मैं बता देता हूं, ऐसा कोई इशू नहीं, और मैं हमेशा सिखाने की कोशिश करता रहता हूं और हमेशा सीखने की भी कोशिश करते रहना चाहिए। चलिए भाई, चार भुजाओं से घिरी आकृति, भैया परिभाषा नहीं पूछ रहा, वो बेसिकली था, अपने रीजनिंग में ज्यादा ध्यान लगाने की जरूरत नहीं, वो गणित में पढ़ो। अब भैया बात ऐसी है कि अपने सामने जो मैंने कल बताया वो मैंने क्या बताया कि भाई एक दो एक दो, तो तीन तो मैंने यहां से काउंट किए, तीन यहां से काउंट किए थे, तीन यहां से काउंट किए थे और तीन मैंने यहां से काउंट किए थे। एक बार वापस देख लीजिएगा, तीन चौक बारह, यह आपको अच्छी तरीके से पता है, आसानी से पता था कि तीन चौक बारह होगा मामला, ठीक है। उसके बाद में मैंने क्या बोला था भैया, यहां पर एक ये था और एक बड़ा वाला ये था, तो दो यहां से निकलने थे और दो ही यहां से निकलने थे और दो ही यहां से निकलने थे और दो ही यहां से निकलने थे। तो मेरे सामने यहां पर जो घटना घटी वो घटी आठ, यानी बारह और आठ अगर मैं आपके सामने कहूं तो बीस और एक पूरा वाला इक्कीस। आयत जो थे वो रेक्टेंगल्स की संख्या कितनी थी? इक्कीस, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। लोकेंद्र शेखावत, हाय रिशु ब्रो, वाओ, आपस में कर लो, पढ़ने की तो जरूरत ही नहीं है, अबे फोन है व्हाट्सएप पर तभी कर लिया करो। यो यो ब्रो हनी सिंह, थोड़ा सामने भी देख ले भाई, बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं। देखो अब चक्कर ये कि 21 तुम्हारा आंसर आ गया, लेकिन 21 साला ऑप्शन में नहीं था। यही सवाल मुझे पूछा गया था कि सर मेरे पास आंसर अलग आ रहा है, आपने जो कल पढ़ाया उसमें तो 21 आ रहा था, चक्कर क्या है? तो मेरे प्यारे बालकों थोड़ा सा ध्यान दो, मैंने आपको बताया था कि अपना जो भी जुगाड़ होगा उसमें वर्ग को हमेशा क्या माना गया है? आयत माना जाता है, यानी कि जो वर्ग होता है उसको आयत कहते हैं, किंतु आयत को वर्ग नहीं कहते। तो भैया हो सकता है कि एग्जामिनर जो है वो वर्ग को कंसीडर नहीं करना चाहता, और अगर वो वर्ग को कंसीडर नहीं करना चाहता तो उसे केवल और केवल क्या चाहिए होंगे? आयत। तो इस स्थिति के अंदर हमें क्या करना है, जो वर्ग एक्स्ट्रा हमें दिखाई दे रहे थे, यानी कि इसके अंदर जो वर्ग है, यह आपको एक आकृति नुमा यहां दिख रहा है, वर्ग की आकृति, अगर मैं आपको यह बताऊं कि बेटा यहां यह जो आकृति है ये वर्ग जो कितने हैं बेटा, पांच, तो इसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। इसका मतलब 21 में से अगर मैं पांच घटा दूंगा तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा 16।
घबराने की आवश्यकता नहीं है भैया, 16 होगा भैया। देखो सीधी सी बात है, जैसे जैसे हवा चलती है वैसे वैसे ही हमें चलना है, जैसे जैसे एग्जामिनर का पूछने का जो तरीका होगा उसी को हम तरीके को अपनाना है। हम भगवान तो है नहीं, लेकिन हाँ कोशिश पूरी करूंगा एक एक चीज को क्लियर करने की। तो आशा करता हूँ ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ रहा है कि भाई अगर मेरे वाला जो कॉन्सेप्ट है जिसमें अपन स्क्वायर को भी कंसिडर करते हैं रेक्टेंगल में, ठीक है, वो आंसर आ रहा है तो उससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता। अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो जो स्क्वायर से उनको अलग कर दे, सेपरेट कर दे, फिर जो बच जाएगा वो हमारा आंसर होगा। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, सोनल चौधरी नमस्कार बेटा, नमस्कार सभी मेरे भाइयों बहनों को नमस्कार, आप आ जाया करें बीच बीच में। हाँ हो गया, ओके। क्या मैं आपको सुनाई दे रहा हूं, क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, क्या मैं हिलता हुआ दिखाई दे रहा हूं, एक बार मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दे। अगर है तो अपन आगे चलते हैं बेटा, चलिए फटाफट दोबारा तरीके से, शाबाश सही हो गया, ओके। तो चलो भाई अगली घटना की तरफ चलते हैं। हम बात कर रहे थे चतुर्भुज की, तो भाई रे एक बेसिकली बिल्कुल छोटी सी घटना से लेकर तुम्हें आज बबंडर की दुनिया में लेके जाऊंगा। दिमाग की नसों को थोड़ा सा कस लेना, अगर आज आनंद नहीं आया तो कह देना कुंडला जी मजा नहीं आया। भैया हम यह कहना चाहते हैं सबसे पहले तो बिल्कुल जवानी वाले क्वेश्चन के साथ आप लोगों के सामने आपसे पूछा जाए कि भाई रे बता यहां पर चतुर्भुज कितने होंगे, चतुर्भुज की संख्या बताइए, चतुर्भुजों की संख्या बताइए। तो मैंने आपको बोला है भैया अगर चतुर्भुज की संख्या बताएं तो आयत भी चतुर्भुज होता है, वर्ग को भी चतुर्भुज बनाया जाता है। तो भैया यहां पर आपको बस मैंने यही बताया था कि हमें क्या करना था, 1, 2 और 3 और इन सबको जोड़ लेना है। जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे मेरे प्यारे भाइयों, 6, और यहां पर 1, 2 और 3 तो इन सबको भी जोड़ लेना है, तो यहां पर भी कितने आ जाएंगे, 6, और 6×6=36। जब नॉर्मल इस प्रकार की आयकर आती है, डायग्राम आता है, तो इस प्रकार के नॉर्मली जो डायग्राम होते हैं उसमें हमें वही जुगाड़ लगाना होता है जो मैंने आप लोगों को रेक्टेंगल में सिखाया था। क्या आपको बात समझ में आ रही है? 36 होंगे, शाबाश। कमेंट बॉक्स में आप लोगों की घटना घट चुकी है, बस इसी की देर थी। अब आप लोग इस बारे में सोचकर विचार कीजिए कि जो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आने वाला है वो कैसा होगा। कैसा होगा वो तो भैया मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं, मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, एक बार आप देख लीजिएगा। चतुर्भुज, और जितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं भैया सब बताना भाई, मेरी नजर में तो मेरे सारे भाई बहन सब इंटेलिजेंट ही हैं। यहां से आपको मुझे बताना है चतुर्भुजों की संख्या कितनी होगी, यहां कितने चतुर्भुज होंगे प्लीज। तो बस अपना काम स्टार्ट कर दे, मुझे बताना स्टार्ट कर दे चतुर्भुज कितने होंगे। अर्चना, देखिए अर्चना कुमारी को क्या हो गया बेटा, यहां से चतुर्भुज बताने फटाफट मुझे बताइए, घटना घटने के लिए तैयार है। तुम कहां हो, तुम कहां हो, मैं यहां हूं, फटाफट। चतुर्भुज कितने होंगे प्लीज दिमाग लगाइए, कोशिश कीजिएगा, कोशिश नहीं करोगे तो भैया गड़बड़ हो जाएगा मामलो, हम फिर ना बताएंगे तुम्हें। आंसर आंसर 6, शाबाश बहुत बढ़िया नीलम सेनी, आंसर आ रहा है कितना यार तेरा थानेदार, 6, ओके भाई साहब प्रियंका 6, बिल्कुल नीलम बहुत अच्छे बेटा, शाबाश। समझ लीजिएगा बिल्कुल तसल्ली से, घबराने की जरूरत नहीं है, मौसम तुम्हारे सामने बनने वाला है हल्के से। सबसे पहले अगर मैं इस ऊपर वाले एरिया की बात करता हूं तो बेटा आप लोगों को ये एक चतुर्भुज नजर आ रहा है, देखो ट्रेपेजियम है यानी समलंब चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज आपको यहां से बिल्कुल नजर आ रहा है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। दूसरे चतुर्भुज की बात बताऊं तो बेटा देखिएगा
एक चतुर्भुज आपको यहां से ये वाला नजर आ रहा है, तसल्ली से धीरे धीरे आप लोग पढ़ने की कोशिश करना। और तीसरी बात बताऊं तो बेटा, तीसरा चतुर्भुज जो है वो आपको यहां से नजर आ रहा है। देखो, नजर आ रहा है या नजर नहीं आ रहा, समझिएगा, नजर आ रहा है यहां से भी चतुर्भुज नजर आ रहे, तो कितने हो गए? तीन। बेटा एक तो ये वाला, एक दोनों को मिलाकर कंप्लीट तीन, तो ऊपर भी तीन होंगे तो नीचे भी एज इट इज उतने के उतने ही है, तो नीचे भी तीन ही होंगे। कितने होंगे? ऊपर भी तीन तो नीचे भी तीन, तो तीन और तीन आंसर कितना हो रहा है बेटा? छह। यहां पर तो कितना हो गया? छह। छह के बाद में आपको लगता नहीं है क्या कि भैया ये जो नंबर है क्या मैं उसे सात नंबर दे सकता हूं? सात नंबर के बाद में आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये भी एक चतुर्भुज है, तो क्या मैं इसको आठ नंबर दे सकता हूं बेटा? ठीक है, अगर मैं इसको आठ नंबर दे सकता हूं तो आठ के बाद में आप थोड़ा गौर से देखना, एक ये पूरा का पूरा मिला के कितना आ रहा बेटा? नौ। और एक ये पूरा का पूरा मिला के कितना आ रहा बेटा? दस। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर जो चतुर्भुजों की संख्या है वो दस है। क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं? अगर खोपड़िया में थोड़ा सा बैठ गया हो, अर्चना क्या दिक्कत है बेटा बताइए, एनी प्रॉब्लम? हाँ, अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि हाँ भाई गुरुजी 10 आ रहे हैं, क्योंकि आने वाली जिंदगी इतनी आसान नहीं होगी, तबाह हो जाएगी, तबाह। मैं कह रहा हूं तुम लोगों को, हेलीकॉप्टर भर जाओगे। तो प्लीज एक बार मुझे बता दीजिएगा तीतरी होने से पहले कि क्या आपको 10 समझ में आ रहे हैं। अनिल यादव, 12 नहीं है बेटा, 10 ही होंगे, अपनी मर्जी से कुछ भी मतलब कहो प्लीज। शाबाश, ओके ओके, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। नीलम, नीलम जो हमारी बहन है उसका बहुत पहले आंसर आया था, बहुत अच्छा आंसर दिया उन्होंने 10। अब आगे आप अपनी घटना को घटाइए। एक छोटा सा प्रश्न और आप लोगों के सामने आ रहा है और आप मुझे बताइएगा कि आपको यहां से चतुर्भुज कितने नजर आ रहे हैं। भैया छोटे सवाल है लेकिन मैं कह रहा हूं आग लगाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी है ये छोटी सी चीजें, ये छोटी छोटी चीजें तुम्हें बर्बाद करके छोड़ देगी। शाबाश, 10 से ज्यादा है। अनिल यादव, नहीं रे भाई 10 से ज्यादा नहीं है, 50 बार गिन के देख ले लाला, ओनली 10, 10 ही होंगे बेटा। भाई साहब प्रियंका, ओके बेटा 10 ही होंगे, केवल 10 होंगे। लोकेंद्र, हाँ भाई 10 होंगे, 10 से ज्यादा की गलतफहमी मत रखिएगा प्लीज। ओके, 21, इसमें 21 होगा क्या? देखते हैं भैया 21 है कि कितने हैं। 21 है कि कितने, मुझे तो नहीं पता। सुमन बंसीवाल, ठीक है, इसका आंसर मुझे बता दीजिएगा, यहां पर आपको कितने चतुर्भुज दिखाई दे रहे हैं प्लीज। ऐसे पार नहीं पड़ने वाली बेटा, फटाफट बताना पड़ेगा, लपकाना पड़ेगा, घटना घटानी पड़ेगी। शाबाश, आने दो आंसर, आने दो, आने दो। केवल नजरों का खेल है, सीखना है और कुछ नहीं सीखना भाई, केवल सीखना है। 10, 10, 10, 10, ओके ओके ओके, देखते हैं देखते हैं। समझिए, अगर यहां पर आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा हो तो प्लीज आप अपनी तीसरी आंख खोलिएगा, थोड़ी सी घटना घटाइएगा। क्या आपको इसमें ये वाली आकृति नजर आ रही है? भैया वर्ग हो चाहे आयत हो, आपको पता है चतुर्भुज होगा तो यहां एक और दो ये कितने हो जाएंगे? तीन। और यहां एक और दो ये कितना हो जाएगा? तीन। और तीन और तीन कितने हो जाएंगे बेटा? नौ। तो नौ तो आपको अच्छी तरीके से पता है, और नौ के बाद में क्या ये बीच वाला आपको 10 दिखाई दे रहा है क्या? तो बीच वाला 10 ये रहा हमारे सामने। तो अब तक हमने इजी वे में 10 घटना लपका दिए, अब 10 के बाद में प्लीज आप मेरे सामने आइएगा, 10 के बाद में ढंग से देखना, आपको थोड़ा सा झटका लग सकता है। सभी अपनी कुर्सी की पेटियां बांध के बैठे रहो, झटका कैसे लगेगा कि भैया मुझे एक बात बताइए, क्या आपको यहां से ये जो है वो चतुर्भुज नजर नहीं आ रहा क्या? ट्रेपेजियम नजर नहीं आ रहा क्या? देखिए ये वाला, ये वाला, ये जो है वो ट्रेपेजियम है, और ऐसा का ऐसा ये यहां से बनेगा। देखो ये
तो एक खाने में इधर से अगर मैं बात करूं तो कितने बन रहे हैं? दो बन रहे हैं। एक बार वापस देखिएगा, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर भी तो ट्रेपेजियम बन रहा है, ये वाला एक, और एक के बाद में बेटा यहां पर भी बन रहा है, तो यहां से भी कितना बनेगा? दो। दो के बाद में अगर मैं बात करूंगा तो यह भी एक है, और बेटा यह भी कितना है? एक है, तो यहां से भी कितने बनेंगे? दो। तो भैया बात ऐसी कि दो यहां से, दो यहां से, दो यहां से और दो यहां से, गिनने की आवश्यकता नहीं है, अच्छी तरह पता है। तो आठ तो हमारे सामने हो ही चुके, तो भैया हमारे सामने ये आठ हो चुके, तो क्या आपको लगता है कि दस और आठ यहां पर जो चतुर्भुजों की संख्या होगी वो अट्ठारह होगी? क्या मैं समझा पा रहा हूं? बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आंसर आ चुका है, अजय का, बाईसा का, रणजीत का, रेखा चौधरी गुड इवनिंग बेटा, नीलम का भी आंसर आ गया है, बहुत अच्छे, करण शर्मा बहुत अच्छे, 18 चतुर्भुजों की संख्या आपको यहां से प्राप्त हो चुकी है। आशा करता हूं आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, क्या समझ में आ रहा है क्या? शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बेटा। अगली घटना घटाने के लिए तैयार रहो, अपने भाई के साथ जुड़े रहो, जुड़े रहने में कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल थोड़ा सा पेचीदा हो सकता है आप लोगों के जीवन काल के लिए, और देखते हैं, कोशिश करता हूं मैं। थोड़ा सा समय लग रहा है, मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन समय लगने दो, चीज़ें बढ़िया बढ़ती रहती हैं, और जब समय लगेगा नहीं जब तक तो मौसम बनेगा नहीं भैया। ये आकृति आपके आंखों के सामने मैंने बनाई, देखें सेम टू सेम ही है, बिल्कुल जैसा मैंने देखा है वैसा है। यहां पर आपको मुझे बताना है कि भैया यहां पर चतुर्भुजों की संख्या क्या होगी, थोड़ा देखकर, आकृति थोड़ी बड़ी मैंने बना दी है और स्थिति बिल्कुल साफ नजर आ रही होगी आप लोगों को। यहां से आपको चतुर्भुज बताने हैं कितने होंगे, प्लीज गिन के बताइएगा, आंसर आना चाहिए भाई, प्लीज आंसर आना चाहिए बेटा, शाबाश। फटाफट फटाफट फटाफट, शाबाश, आंसर क्या होगा बोलो। हां, बहुत प्यारा प्रश्न है, बहुत प्यारा प्रश्न है, आलिशान क्वेश्चन। खोपड़ी की तीतरिया न हिल जाए तो बता दीजिएगा बेटा, दिमाग की दही हो जाती है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो दिमाग का दही हो जाता है, पर मैं होने नहीं दूंगा, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, मुझे आंसर बताइएगा प्लीज। कमेंट बॉक्स में आना चाहिए आंसर, हवा खिसक रही है मेरे भाइयों की, हो क्या रहा है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा खुद को ही कि कहां से ले, कहां से स्टार्ट करें। तो भैया अब छोड़ दें अपने कॉपी पेन, थोड़ा मेरी तरफ नजरें उठा के देखेंगे एक बार हल्के से, प्लीज आप लोग थोड़ा सा मेरा साथ दीजिएगा, पहले मैं दोबारा नहीं समझाने वाला, आप लोग थोड़ा ढंग से देखना बेटा, आनंद आ जाएगा। सबसे पहले अगर मैं चतुर्भुज की बात करता हूं तो बेटा थोड़ा गौर से देखिएगा, क्या यहां पर ये एक आपको चतुर्भुज नजर नहीं आ रहा क्या? एक, तो यहां से ये छोटे वाले अगर मैंने काउंट किए तो एक, ये एक बेटा, दोस्तों मेरे भाइयों एक आपको यहां से ये नजर आ रहा है, देखो दो, दो के बाद में मेरे प्यारे भाइयों आपको एक यहां से और नजर आ रहा है, देखो तीन, तीन के बाद में मेरे
लाल मेरे पीड़ों, मेरे गुलाबियों, मेरे कालुओं, यहां आ रहा है बेटा चार, और चार के बाद में मेरे प्यारे दोस्तों ये छोटा सा एक बड़ा पांच। तो ऊपर से ये छोटे छोटे तो पांच आ रहे हैं आराम से, तसल्ली से, धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं है बेटा। अब हुआ क्या कि ये तो छोटे छोटे, अब अगर मैं बात करता हूं इन दो को मिलाकर, तो भैया आप मुझे एक बात बताएं, क्या एक आपके सामने ये बड़ा वाला चतुर्भुज नजर नहीं आ रहा क्या? एक बड़ा वाला ये और एक बड़ा वाला ये, दो और दो के बाद में बेटा एक ये भी नजर आ रहा है, देखो तीन। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि भैया एक जो सिंगल वाले हैं, एक सिंगल वाले हैं वो तो पांच हैं, और जो डबल वाले मैंने काउंट किए, डबल वाले वो तीन हैं, ठीक है। उसके बाद में एक कंप्लीट ये पूरा वाला, एक बड़ा वाला, ढंग से देखना। तो एक जो है वो पूरा का पूरा बड़ा, तो पांच और तीन आठ और एक नौ, तो नौ तो आ चुके, ऐसा का ऐसा ही नीचे दे रखा है। तो बेटा क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि नौ ऊपर और नौ नीचे, तो ये अठारह तो हमारे सामने अब तक आ चुके। पहले मुझे एक बात बताओ, क्या यहां तक कोई डाउट है? यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे बताइएगा, मैं आगे बढ़ूंगा तभी आप मुझे बता दीजिएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है? नौ नौ अठारह। अब अठारह के बाद में क्या कोई मुझे बता पाएगा कि मैं अब जो गिनने की कोशिश कर रहा हूं, तो भैया अठारह के बाद में ये देखो, उन्नीस, बीस, इक्कीस, ठीक है। इक्कीस के बाद बाईस, तेईस, तेईस के बाद चौबीस, चौबीस के बाद ये पच्चीस, और पच्चीस के बाद में दो बड़े बड़े और हमें दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक तो ये बेटा छब्बीस, और एक ये वाला, ये वाला। तो इस प्रकार से 27 चतुर्भुज हमारी आंखों के सामने धुंधला से जाते हैं और हालत खराब हो जाती है। तो बेटा यहां पर जो चतुर्भुजों की संख्या होगी वो होगी 27, 27। ढंग से देखना बेटा, मैं एक बार वापस बता देता हूं, कई बच्चे मुझसे पूछ रहे कि सर एक बार वापस बताएं, तो मैं एक बार वापस बताने की कोशिश करता हूं। एक बार वापस आप देखने की कोशिश कीजिएगा कि बेटा एक तो बड़ा वाला ये, ढंग से देखना, एक, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पांच, पांच तो सिंगल सिंगल, पांच के बाद छह, छह के बाद सात, और सात के बाद देखो ये आठ, और एक पूरा नौ। तो नौ ऊपर और नौ नीचे, तो नौ दुनी अठारह, अठारह के बाद आपको अच्छी तरह पता है ये बीच वाला उन्नीस, बीस, इक्कीस, इक्कीस के बाद में देखो बेटा बाईस, तेईस, चौबीस, पच्चीस, पच्चीस के बाद में ये बड़ा वाला छब्बीस, और छब्बीस के बाद में एक बड़ा वाला ये रहा सत्ताईस। तो इस प्रकार से टोटल 27 हो गए, टोटल 27। मैंने दोबारा बता दिया है बेटा, आराम से पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तसल्ली से, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ रहा है, उसे भी देखने की कोशिश कीजिएगा, फिर अपन थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे बेटा। देखिए अगला प्रश्न, समझ में आया कि नहीं आया पहले बताएं, दो बार मैंने काउंट कर दिया बेटा। देखते हैं अगला प्रश्न, तुम्हें क्या कहना चाहता है ये।
यही है आकृति। तो मुझे जहाँ तक महसूस हो रहा है एक और दो बन गए हैं इसमें, एक ये बन गया है, ठीक है, यह आकृति है। मैंने थोड़ी सी कोशिश की है बनाने की, आपको यहां से बताना है कि भैया यहां पर आपको कितने, बिल्कुल हाँ, कितने चतुर्भुज नजर आ रहे हैं। एक बार कोशिश कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा बेटा, कितने चतुर्भुज नजर आ रहे हैं। ये रीजनिंग तो पागल कर देगी सुमन। अब तक जो YouTube चैनल से वहां पर हल्की हल्की चीजें पढ़ाई गई है बेटा, मैं कोशिश करता हूँ रात भर पढ़ने की, रात भर कोशिशें करता हूँ कुछ नया सीखने की, ताकि मैं आप लोगों को सिखा सकूँ। ये थोड़ी सी मेरी मेहनत है जो आप लोगों की आंखों के सामने, डायग्राम थोड़ा परफेक्ट नहीं बन पा रहा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि तुम लोगों को मैं समझा पाऊं। आंसर तुम्हारे सही आए, आकृतियां तुम्हारी सही निकले। या फिर एक बार मैं कोशिश कर लेता हूँ एक बार वापस इस डायग्राम को बनाकर, ताकि तुम लोगों को डाउट नहीं हो। एक बार मैं थोड़ा बेहतरीन बनाने की कोशिश करता हूँ। अब एक लाइन और, आई थिंक ये परफेक्ट हो गया, ये परफेक्ट डायग्राम है अपना। अब आपको बताना है कि यहां से कितने चतुर्भुज होंगे। प्लीज माफी चाहूंगा तुम्हारे खेद के लिए। यहां से देखिएगा ये क्या बना दिया बेटा, इसी को कहते हैं गुड इवनिंग बेटा। आंसर बताएं, पूरा बताएं, ढंग से बताएं, घटना घटाएं। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। मैं वेट करूंगा आपका, लोगों का आंसर का वेट करूंगा बेटा, प्लीज। फटाफट मुझे बताएं प्लीज। ओके राहुल सिंह, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर बताएं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो हो गया, जो बीत गया सो बीत गया, आगे चलो। देखते रहे, बताते रहे कितने होंगे। 14 14, ओके, नीलम सैनी का आंसर आया 14, लेकिन मैं बोलूंगा बेटा 14 नहीं है, कुछ और भी नजर आ रहा है मुझे। प्लीज आंसर बताएं, इसका आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूं, 20 आएगा ऑप्शन। इसका जो आंसर है बेटा 20 आएगा, 20 कैसे आएगा वो आपको देखना है। मैं तो बताऊंगा ही, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 20 कैसे आएगा वो आपको देखना है। एक दो तीन चार पांच, सही है 14 सही है। देखते हैं बेटा 16 आंसर आ रहा है, और भी देखते हैं क्या दिक्कत है, कोशिश करते रहें। चलो मैं बताता हूं, समझिएगा, थोड़ा सा आइडिया देता हूं, बाकी आप लोग करना ही है, आप लोगों को आंसर तो आना ही है, मैंने बता दिया है। सबसे पहले अगर मैं यहां से बात करता हूं तो बेटा देखिए, एक, ठीक है, एक के बाद ये दो, दो के बाद ये तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद अगर मैं इसकी बात करूं तो पांच, ठीक है, पांच के बाद ये छह, छह के बाद सात,
और सात के बाद अगर हम इसकी बात करें तो ये बन जाएगा आठ। अब आठ के बाद में जो हम चर्चा कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं बेटा, आठ तो यहां से आ चुके, आठ के बाद अपने पास आंसर क्या आएगा भैया बताइएगा, बीस है कि नहीं इसका आंसर? यार तेरा थानेदार सही बोल रहा है, क्या बोल रहा है? अच्छा 20, आई थिंक ये आकृति में थोड़ा सा डाउट है मुझे, अपन इसको छोड़कर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसमें एक लाइन शायद कम है, कोई इशू नहीं है, इसको अपन बाद में देख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट जो आकृति है वो अपन देख लेते हैं एक बार। इसमें मुझे भी थोड़ा सा डाउट सा ही नजर आ रहा है कि इसमें कोई एक लाइन कम है, माफी चाहूंगा। अपन नेक्स्ट आकृति की तरफ पहुंचते हैं एक बार, उसे देखते हैं, फिर इसके बाद में इसको भी डिस्कस कर लूंगा। आपके समय खराब करने के लिए थोड़ा सा माफी चाहूंगा, एक लाइन इसमें शायद कम है। अगली आकृति दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, कोशिश करूंगा, देखिएगा, माफी चाहूंगा भैया, इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो गई, इसमें एक लाइन कम है तो एक लाइन गड़बड़ हो जाएगा तो मामला बैठेगा नहीं। आई थिंक यहां मैं ये परफेक्ट बना रहा हूं पूरा का पूरा, यहां मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा, बिल्कुल यहां आपको बताना है। मैं माफी चाहूंगा पहले वाली आकृति के लिए, उसमें शायद एक दो लाइन मिस्टेक होगी इसलिए कुछ बन नहीं पा रहा, तो मैं उसको दोबारा देख के आपको समझा दूंगा। बिल्कुल टफ है आपके अनुसार तो, पर टफ कोशिश ही कर रहा हूं बेटा कि आपको टफ से टफ क्लास लगे। यहां पर आपको बताना है कि यहां पर चतुर्भुज कितने होंगे, प्लीज यहां आप अपना टाइम मुझे बता दें प्लीज, उसको मैं एक बार वापस डिस्कस कर लूंगा, एक बार एक्स्ट्रा क्लास जब संडे को या कभी लेंगे तो उसके बारे में आप डिस्कस कर लूंगा बेटा, टेंशन ना लें, घबराए नहीं। हाँ जितने भी होंगे सुमन बेटा, जितने भी होंगे, चौबीस होंगे कि जो भी होंगे अपन देखेंगे, उसको इशू नहीं है, उसमें कोई ना कोई डायग्राम में मिस्टेक है आई थिंक, देख लेते हैं। लेकिन यहां आंसर बताइएगा। अच्छा इसका जो मैं ऑप्शन है, मैं आप लोगों को ऑप्शन भी बता सकता हूं, इसके ऑप्शन क्या होंगे, जो पहला ऑप्शन होगा वो होगा 42, जो दूसरा ऑप्शन होगा बेटा वो होगा 43, और जो तीसरा ऑप्शन होगा वो होगा 44, और चौथा ऑप्शन जो है वो है 45। अब आप मुझे ये देखकर बताएंगे कि यहां पर कितने ट्रायंगल नजर आ रहे हैं, सॉरी ट्रायंगल ही चतुर्भुज। नमस्ते नमस्ते बेटा नमस्ते, रानू रानू नमस्कार। यहां के चतुर्भुज आपको गिनने बहुत अच्छे हैं, आसानी से आप गिन सकते हो, बड़ी बात नहीं है, तसल्ली से गिन सकते हो, मैं गिन के बताऊंगा आप लोगों को, घबराएगा नहीं। सत्ताईस। अरे इसका आंसर बताएं भाई, इसका क्या आंसर होगा, मैंने ऑप्शन दे दिया है, ऑप्शन मैंने दे दिया है, देखिए आकृति मैंने चेक कर लिया, रखी हुई है, बिल्कुल परफेक्ट बनाया अपन ने, देखते हैं क्या होता है, स्टार्ट करते हैं बेटा, कोशिश करता हूं आप लोगों से, और इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, देख लीजिएगा। यहां अगर मैं बात करूं, यहां पर देखते हैं, यहां पर इस जगह तो बेटा ये नंबर एक, तसल्ली से फूक फूक कर कदम रखूंगा भाई, विद्या रानी की सोगन, कहीं पर भी कोई मामला गड़बड़ नहीं होगा, थोड़ा ढंग से देखना बेटा, बस हल्का सा एक तो ये रहा, आराम से तसल्ली से, कोई बड़ी बात नहीं बेटा, तसल्ली से देखेंगे। एक के बाद बेटा बाबू ये रहा दूसरे नंबर का, ये दो नंबर मैं कह सकता हूं, उसके बाद ये तीन नंबर, उसके बाद ये चार नंबर, उसके बाद ये पांच, और बेटा ये छह, तो यहां नीचे से तो लपक कर आए छह, तसली से छह के बाद में बाबू सात, सात के बाद में ये आठ, आठ के बाद में ये नौ, और नौ के बाद में ये दस, अरे बारह, ठीक है दस, दस के बाद में बेटा ग्यारह, और ये बारह, और बारह के बाद में ये एक तेरह, तो यहां तक मैंने जो गिने अभी तक मुझे तेरह नजर आ रहे हैं, कितने नजर आ रहे हैं, तेरह नजर आ रहे हैं, और तेरह के बाद में जो अपने को काउंट करने हैं उसमें देखिएगा बेटा एक ये रह गया, दोनों को मिलाकर
एक ये रह गया, दो तीन चार और ये पांच, तो 13 और पांच, यहां से जो मामला बैठा वो मेरे पास बैठा 18 का। कितने का बेटा? 18 का। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या ये 18 समझ में आ रहा है आप लोगों को? 18 समझ में आ रहा है क्या बेटा? प्लीज राहुल सिंह, बिल्कुल थोड़े टफ क्लास है, लेवल थोड़ा सा अच्छा रखा हुआ है, आप लोग सीखेगा, किसी आपको चैनल पर नहीं मिलने वाला ये जो चतुर्भुज मैंने बताया, इसलिए मैंने बोला कि आज की क्लास थोड़ी सी ऊपर से जाने वाली है, प्रैक्टिस का मामला है बेटा। तो ये 18 आपका आ चुका। अब क्या है बेटा, हमें जो देखना है, हमें जो देखना है वो ये देखना है कि क्या इस वाली लाइन में हमें कितने मिलते हैं यहां से, क्योंकि यहां से भी अपने पास चतुर्भुज है, हमें यू भी काउंट करने पड़ेंगे, हमें यू भी काउंट करने पड़ेंगे, हमें यू भी काउंट करने पड़ेंगे। तो आपको स्मार्ट जुगाड़ बताता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो लेवल का पढ़ते हैं ना बच्चे बेटा, उसी को पता लग रहा है कि आज हम करना क्या चाहते हैं। तो बेटा सबसे पहले अगर मैं बात करने की कोशिश करूं आप लोगों से, तो आप लोग मुझे बताइएगा कि अगर मैं यहां से देखूं तो बेटा देखो, एक तो ये रहा, देखना एक ये बन रहा है, और एक हमारे सामने ये बन रहा है दो, और एक इन दोनों को मिलाकर पूरा परमानेंट तीन। मैं वापस समझाने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा गौर से देखिएगा, थोड़ा आसानी से समझ में नहीं आएगा बेटा। एक तो बेटा देखो ये बन रहा है एक, उसके बाद ये बन रहा है दो, और इन दोनों को मिलाकर बन रहे हैं बेटा कितने? तीन। तीन के बाद देखिएगा, इस लाइन से अगर मैं स्टार्ट करता हूं तो यह बन रहा है कितना? चार। और चार के बाद में एक ये बन रहा है बेटा कितना? पांच। और एक कंप्लीट पूरा लंबा वाला बन रहा है छह। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस पट्टी से इधर की वैल्यू से मेरे पास छह आ रहे हैं, और छह के बाद बेटा पट्टी अभी ये भी है, तो यहां से इस इधर की तरफ से मेरे पास कितना आएंगे? थोड़ा गौर कीजिएगा, एक में और बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, एक बन रहा है ये, ठीक है। और एक अगर अपने पास यहां पर अपन बात करें तो भैया कोशिश वाली बात है कि एक और बनने की कोशिश है, एक तो ये बन रहा है और एक बन रहा है ये, देखो एक तो ये बड़ा वाला और एक ये बड़ा वाला, तो इधर वाले एरिया से दो एक्स्ट्रा है, तो छह और दो टोटल कितने हो गए? आठ, ठीक है। यानी एक पट्टी पे से आठ है, अगर मैं इधर से काउंट करूंगा तो बेटा वो भी आउट होंगे, आठ होंगे, और इधर से काउंट करूंगा तो वो भी कितने होंगे? आठ। ध्यान दीजिएगा, तो आठ या चौबीस, तो थोड़ा ढंग से देखना, अठारह और चौबीस हमारे सामने कितने हो गए भैया? बारह और ये चार, ये टोटल हो गए हमारे सामने बयालीस। कितने आ गए? बयालीस। कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट आ रहे हैं भैया? बेटा एग्जाम में इस गुरुजी ऑप्शन देखकर तुक्का लगाने से कोई फायदा नहीं है, समझ में और पता भी होना चाहिए। बिल्कुल बेटा, इसीलिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, इस क्लास की वैसे कोई आवश्यकता नहीं थी मैं आप लोगों को बता दूं, लेकिन फिर भी मैंने रिस्क उठाया है आप लोगों को समझाने का। तो प्लीज आप लोग मेहनत को थोड़ा सा सराहिएगा, जो कहीं नहीं मिलता वो यहां मिलेगा, इसीलिए कि मैं मेहनत कर रहा हूं। तो आप लोग समझिएगा, आठ इधर से आ रहे, तो आठ या चौबीस या बयालीस। अब बेटा बयालीस के बाद में जो कॉन्सेप्ट है वो देखिएगा, बयालीस के बाद में अपने को और भी यहां से बड़े बड़े नजर आएंगे, एक बड़ा ये नजर आ रहा है देखिएगा, और एक बड़ा ये नजर आ रहा है, समझना, दो और एक कंप्लीट बड़ा ये नजर आ रहा है। तो बेटा यहां से तीन और आ गए, तो हमारा जो आंसर होगा वो 45 होगा। आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, बार बार जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा बेटा, मेरी कोशिश यही है। तो क्या मैं आप लोगों को थोड़ा भी समझा पाया, मैं पहुंच पाया? आलोक शर्मा, नाइस कुंडारा जी, आज तो दम दिखा दिया भाई साहब, बिल्कुल है आकृति। अच्छे अच्छे खिलाड़ी फेल हो जाते हैं बेटा, मैं आपको बता रहा हूं, कोई मास्टर इतनी मेहनत नहीं करता ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर, जो कि फ्री में क्लासेस दे रहे हूं, पर मैंने कभी फ्री और पैसा कभी, आप लोगों को पता है ऑफलाइन में भी घटना नहीं घटाई होगी, आप लोगों को अच्छी तरह जानते हो, जो मुझे ढंग से जानते हैं उनको पता है, क्या आप लोगों को ये चीजें समझ में आई है? 45 जो मैंने निकालने की कोशिश की वो कैसे निकालें? तो भैया जुगाड़ है, जुगाड़ है तो गिनना पड़ेगा आप लोगों को, बार मत निकालना, यह सिर्फ आप लोगों के लिए ही था। क्या मैं समझा पा रहा हूं बेटा? बेटा संडे के दिन तो मेरी हमेशा लगती है, स्पेशल क्लास होती है डेढ़ घंटे की, शाबाश। तो भैया अगर अच्छा लग रहा है आपको, मेरी मेहनत दिखाई दे रही है, तो इन्हें अपने मित्रों तक भी पहुंचाओ, दोस्तों तक भी शेयर करा करो, ताकि आपको पता लगे कि हाँ मजा आ जाएगा।
समझ में आ रहे हैं और कर भी लेंगे, पर समय बेटा, समय तो देखो बार बार प्रैक्टिस, अगर ऐसा आ गया तो करना ही पड़ेगा, नौकरी लगनी तो एक नंबर के से भी रह जाओगे तो भी रह जाओगे बेटा। तो मैं तो इतना चाहता हूं कि आपको लेवल की चीजें बता दूं, ये हर आरएस या यूपीएससी या पर कहते फर्स्ट ग्रेड या जेआरएफ वहां से वहां के क्वेश्चन है, तो इतने हल्के में तो आप इसको भी मत लीजिएगा प्लीज, तो मैं माफी चाहूंगा आप लोगों से। लेकिन अब आप लोग देखिएगा, राहुल लखेरा ठीक है, तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं भाई? आगे बढ़े, अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो भैया बिल्कुल, ये अब तक अपना चतुर्भुज का काम हो गया था, ज्यादा आप लोगों को मैं परेशान नहीं करूंगा, लेकिन भैया एक कंसेप्ट और है, एक आकृति रह गई है उसको नहीं छोड़ूंगा, जो शायद लाइन की वजह से कमी रह गई थी, संडे को उसकी क्लास होगी तो सबसे पहले मैं वो पढ़ाऊंगा बेटा। आगे देखते हैं बेटा, अब मैं बात करने जा रहा हूं जहां कंसेप्ट की, वो है बेटा सरल रेखा, सीधी रेखा है, सरल रेखा। स्ट्रेट लाइन के बारे में आजकल कई प्रकार के प्रश्न विचलित हैं, चलते रहते हैं, घटना घटती रहती है, तो भैया कितने तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं सीधी लाइन वाले क्वेश्चन। बेटा सर जुगाड़ कोनी के ऊको, बेटा जुगाड़ एक लेवल तक ही चलता है, उसके बाद तो मेहनत करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, वो मैंने आपको दिखा दी, मैं भी रात भर लगा हूं आप लोगों के लिए, कोशिशें की है, गिनी है, बार बार प्रैक्टिस की है, तभी जाके यहां पढ़ा रहा हूं, और पढ़ाते वक्त गलती ना हो इसी की कोशिश हमेशा रहती है, खैर इंसान हूं भगवान तो है नहीं। सरल रेखाएं बेटा पहले तो यह जानने की जरूरत है कि सरल रेखाएं आखिर होती कितने तरीके की है, तो भैया सबसे पहली बात मैं बताऊं, एक तो होती है हॉरिजॉन्टल, जिसको अपन क्षैतिज रेखा भी कह सकते हैं या सीधी रेखा भी कहते हैं, इस तरीके से ए और बी, तो रेखाओं को पहचानना सीखिएगा, आजकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रेलवेज में तो काफी पूछा जाता है। एक होती है बेटा वर्टिकल, यानी कि खड़ी रेखा इस तरीके से, ठीक है, और एक होती है जिसको आप स्लेट लाइन बोल लें या डायगनल बोल लें, तिरछी रेखा इस तरीके से। तो तीन प्रकार की रेखाएं होती हैं, मैंने क्या बोला सीधी रेखा या सरल रेखा जब भी पूछा जाए तो तीन भागों में डिवाइड किया जाता है बेटा, क्या होता है, एक तो क्षैतिज होती है हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल होती है और एक स्लेट लाइन होती है जिसे डायगनल हम कह सकते हैं बेटा। और इसमें हाँ बिल्कुल ट्रिक वाली कोई बात भी नहीं बेटा, ठीक है। अब आप देखिएगा बेटा, अब यहां पर जो सरल रेखा है उन्हें पहचानेंगे कैसे, तो पहली बात तो सरल रेखा की परिभाषा समझिएगा। सरल रेखा की परिभाषा क्या है कि किसी भी आकृति को बनाने में काम में ली गई लंबी से लंबी रेखा को ही सीधी रेखा या सरल रेखा बोला जाता है। किसी भी आकृति को बनाने में काम में ली गई लंबी से लंबी रेखा को क्या बोला जाता है बेटा, सीधी रेखा या सरल रेखा बोला जाता है। तो भैया अगर मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा क्वेश्चन दूं, थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूं जो पिछले कई एग्जाम्स में चलते हुए आ रहे हैं, देखते हुए आ रहे हैं, कि भैया मान लीजिएगा हमारे सामने एक छोटी सी आकृति दे दी इस तरीके से, समझिएगा यहां पर एक आकृति दे दी, तो अगर मैं आपसे बात करूं कि बेटा अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करूंगा तो यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी नजर आ रही है मेरे को, एक लाइन हॉरिजॉन्टल नजर आ रही है जिसको मैंने लाल रंग से देखा है, तो एक तो वो है। अगर मैं आगे बात करता हूं वर्टिकल की, तो अगर मैं वर्टिकल लाइन की बात करता हूं बेटा तो एक, सॉरी हॉरिजॉन्टल तो ये वाली है नीचे वाली, तो ये एक हॉरिजॉन्टल है। अगर मैं वर्टिकल की बात करता हूं तो वर्टिकल वाली भी एक है, और अगर मैं डायगनल की बात करता हूं बेटा यानी तिरछी रेखा की, तो ये भी एक है। तो यहां से मैं आसानी से बता सकता हूं कि बेटा यहां पर कितनी सीधी रेखाएं हमारे सामने हैं, तीन सीधी रेखाएं होंगी। कितनी सीधी रेखा, हाँ तीन प्रकार की पढ़ी है बेटा कला शिक्षा में। ओ माय गॉड राहुल लपक गया जल्दी है, ओके सर प्रैक्टिस क्लास में इस टॉपिक से एक दो क्वेश्चंस करा दीजिएगा, बिल्कुल देख लीजिए अब प्रैक्टिस की जरूरत ही कहाँ है बेटा, इतने सारी क्लासेज हो गई, कल तो नया टॉपिक लेंगे अपन ब्लड रिलेशन वाला, और अगर कुछ रह जाएगा तो अपन संडे स्पेशल क्लासेज में ले लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर मैं आगे चलता हूं, थोड़ा सा अगर मैं आगे बढ़ूं, इसको थोड़ा सा आगे लेके जाऊं, तो देख लीजिएगा आप लोग क्या मुझे बता सकते हैं कि भैया जो आकृति मैं आप लोगों को दे रहा हूं क्या इसमें कितनी सीधी रेखाएं हैं, प्लीज एक बार मुझे बताइएगा इसमें कितनी सीधी रेखाएं हैं, एक बार मुझे बता दीजिएगा सीधी रेखाएं कितनी है, गिनकर बताएं फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है। सीधी रेखाएं कितनी होगी आराम से बताएं, बहुत आसान है, बिल्कुल कल का टॉपिक नया होगा ब्लड रिलेशन, बहुत प्यारा बिल्कुल लेवल से पढ़ाऊंगा बेटा कतई जेर नाम से। यहां पर अगर हम बात करें तो बेटा देखो सीधी सी बात है, कुछ नहीं करना, पहले तो अपन हॉरिजॉन्टल गिनेंगे, तो ये एक दो तीन और
और ये चार, तो हॉरिजॉन्टल तो हो गई चार और वर्टिकल हो गई दो। तो भैया क्या आपको यहां से नजर आ रही है कि यहां पर कितनी सरल रेखाएं नजर आ रही है? छह सरल रेखाएं नजर आ रही है। शाबाश, कमेंट बॉक्स में आप लोगों का आंसर आ चुका है। अब भाई रे थोड़ा सा मैं इसको हल्का सा तीतरी की ओर लेके जा रहा हूं, क्या कोई मुझे बता पाएगा कि अब मैं अगर यहां से कुछ क्वेश्चंस आपको देना चाहूं तो भैया मुझे बताइएगा कि अब यहां से आपको कितनी सरल रेखाएं नजर आ रही हैं? प्लीज मुझे बताइएगा सरल रेखाएं कितनी नजर आ रही हैं? 12 आंसर तुरंत भिड़ते ही 12 आया। चलो एक बार कोशिश करते हैं। अगर मैं हॉरिजॉन्टल गिनता हूं, हॉरिजॉन्टल लाइंस गिनता हूं, तो भैया मेरे सामने जो आ रही है वो आ रही है 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो भैया 5 तो ये रही। अगर मैं वर्टिकल की बात करता हूं तो भैया 1 और ये 2, तो हमारे सामने आ गई 2। अगर मैं डायगोनल यानी स्लेट लाइन की बात करता हूं तो भैया 1 लाइन ये है और 1 लाइन ये है, तो भैया 2 ये रही। तो कितने आ गए? 5 और 2, 7 और 2, 9। तो भैया मेरा आंसर होगा 9। जो परिभाषा मैंने बताई है उसको दिमाग में बैठा के रख लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, कोई टेंशन नहीं होगी बेटा। सर आपके सीधी रेखा, हाँ बेटा सीधी रेखा, सीधी रेखा और सरल रेखा, अभी रुकिएगा आप आराम से, तसल्ली से, यही कंफ्यूजन है जो हमेशा रहता है। आप टेंशन मत लीजिए, अब कॉन्सेप्ट ये ठीक है। आप और भी कई तरीके से सवाल पूछ सकते हैं। सीधी रेखा का मतलब तिरछी रेखा को उसी में काउंट किया जाता है, बेटा घबराने की जरूरत नहीं है। सरल रेखा है, सीधी रेखा एक ही बात है। अगर आपको बोला जाए कि बेटा यहां पर बताओ तो यहां पर भी कुछ ही नहीं करना, हमें पता है कि बेटा 1 ये रही, 2 ये रही, 3 ये रही, 4 ये रही और 5 ये रही, तो यहां से कितनी रेखाएं आएंगी? 5। ये पहले की बातें थी, लेकिन आजकल एग्जामिनर ने हमें घुमा रखा है। थोड़ा ध्यान से, सर जी दिन में स्टार दिखा दो, हो गए भाई साहब। अब मैं एक बात बताना चाहता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लास्ट में जाते वक्त मैं इसका पूरा राजफाश करना चाहूंगा। भाई हाल ही में लास्ट ईयर एक रेलवे का एग्जाम था और मैं आप लोगों सभी लोगों से थोड़ा सा मुखातिब होना चाहता हूं इस लाइन से। आपसे पूछा गया कि बेटा इसमें बताइए सीधी रेखाएं कितने, स्ट्रेट लाइन कितनी है, बच्चे कंफ्यूज। अब आप थोड़ा सा देखिएगा, आजकल का जो वक्त है वो ऑप्शन के हिसाब से चलता है। कहते क्या है, करता क्या है, मेरे हिसाब से जो मैंने आपको बताया उसके हिसाब से देखा जाए तो एक तो लंबी लाइन ये बेटा और एक लंबी लाइन ये, तो मेरे हिसाब से तो इसका आंसर होना चाहिए 2। कितना होना चाहिए? 2। लेकिन ऑप्शन में 2 नहीं था। शाबाश, ऑप्शन में 2 नहीं था। एक बार यह कहा गया कि भाई ऐसा नहीं होता कि जहां पर लाइन कट जाए उसको हम 1 मान लेते हैं। चलो मैं ये भी मान लेता हूं कि जहां पर लाइन कट जाए उसको भी हम 1 मान लेते हैं। तो भैया इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये तो हो गई 1 और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये हो गई 2, तो इसका मतलब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये हो गई 3 और यहां तक कितनी हो गई? 4। तो भैया बी ऑप्शन ये होना चाहिए था कि भाई 4 है, लेकिन भैया न 2 था ऑप्शन में न 4 था। अब आप क्या कहेंगे कि आखिर एग्जामिनर पूछना क्या चाहता है? मुझे तो यही समझ में नहीं आता है कि वो चाहता क्या है यार, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा। लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि नहीं यार ऐसा नहीं होगा, सवाल क्या कहना चाहता है? थोड़ा दोबारा से देखिएगा कि लाइन ऐसे भी काउंट की जा सकती है, यह मैं मेरी मर्जी से नहीं करवा रहा हूं, जैसा एग्जाम में पूछा जा रहा है वैसे। लाइन कैसे काउंट की जा सकती है, हर मास्टर ये चीजें छुपाता है क्लास में पढ़ाने से पहले, क्योंकि उसको पता है अगर वो ये चीज पढ़ाएगा तो कंफ्यूज होगा और बच्चे क्रॉस क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन मेरा तो मानना है कि तुम सीखो, पूछो। मैं ये कह रहा हूं कि भैया उसके हिसाब से एक लाइन तो ये समझिएगा 1, उसके बाद में यहां से लेकर यहां तक कट गई तो इसका मतलब 2, और बेटा 1 कंप्लीट उसने 3 मानी है। ये एक नई चीज निकल कर आई जो अब तक हवा था, क्योंकि मैथ सोचा है रीजनिंग हो, हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता रहता है, नया देखने को मिलता है, तो इसका मतलब यहां पर ये 1 और यहां पर ये 2 और यहां पर ये 3, तो आंसर कितना हुआ? 6। तो मैं तो तुम्हें ये कहूंगा कि सबसे पहले अगर आपको फॉलो करना है तो पहले तो मेरी वाले पर फॉलो करें, अगर वो चीज ऑप्शन में नहीं है तो सेकेंड चीज पर फॉलो करें, और अगर वो चीज भी ऑप्शन में नहीं है तो फिर इस तीसरे पर कूद जाए, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है बेटा। तीनों चीजें मैंने आपको सिखा दी है, कोशिश मैंने पूरी की है अब तक ढंग से हर चीज पढ़ाने की, छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीजें मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है। फ्री यूट्यूब चैनल पर आपको कहीं पर भी इस लेवल की चीजें नहीं मिलेगी, जो टीचर्स अपनी एप्लीकेशन पर इस लेवल की चीजें पढ़ाती है मैं आपको फ्री में दे रहा हूं। तो भैया थोड़ी सी मेहनत की लाज रखिएगा,
थोड़ा सा आप लोग साथ दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बाकी सब आप लोग जानते हैं, बाकी बोलने की जरूरत नहीं है। बार बार बोलकर अपमान होता है, मान घटता है, आप सब मेरे भाई बहन हैं, आपको अच्छी तरह पता है। आप लोग मोटिवेट करोगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा, ठीक है बेटा। तो तब तक के लिए शुक्रिया है, धन्यवाद है, जय हिंद है, जय भारत है। मैं आपको शेड्यूल बता देता हूँ, कल बुधवार है, ठीक है, कल बुधवार है, तो बुधवार को भी मेरी क्लास होगी 6 से 7 आराम से, बेसिक क्लास होगी। उसके बाद में गुरु शुक्र और शनिवार को कोई क्लास नहीं होगी, फिर संडे को क्लास होगी, यानी संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, वीक में 4 दिन क्लास होती है मेरी। तो बार बार मत पूछिएगा, संडे को दिन का टाइम रहता है, या तो 2:30 से 5 रहेगा या 2:30 से 3:30 से 5 रहेगा, जो भी होगा वो आपको बता दिया जाएगा, और बाकी टाइम आपको बताइए। तो शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत, लव यू टू, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू मेरे सभी भाइयों, बाय बाय, थैंक्स अलॉट, थैंक यू।